नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बुक. बुक पार्ट जो है मैंने आपको बार बार कह रही हूँ ये आपका सिर्फ 10-20% कवर करता है. वो भी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार क्या हो सकता है सब्जेक्टिव में भी आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. जल्दी आओ. सब्जेक्टिव में जब आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना आपको बुक में से कोई भी पैराग्राफ आ सकता है और उसके क्वेश्चन आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन बेस में आ सकते हैं. जस्ट करण बाद में डिस्कस कर लेना क्या हुआ प्लीज. है ना, कोई बात नहीं. हाँ जी बच्चे, फर्स्ट पेज आपका है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, ये सारा डिस्कस हो चुका है. सोर्स बेस अगर कोई भी आता है तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट बेटा, व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस के फीचर्स क्या हैं, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ. नेक्स्ट है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. ये मैंने लास्ट पीरियड में करवाया था कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन गुड है, तो उसके कुछ पॉइंट्स करवाए थे. और मैंने बताया था अगर डीमेरिट्स का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जब होता है तो लोकेलिटी में लोग आपस में बट जाते हैं, ग्रुपिज्म हो जाता है और आपस में वॉयलेंस रॉयट्स होते हैं जिसके कारण लोग पार्टी पे दूसरी पार्टी पे एलिगेशंस लगाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, ऑनेस्टी लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, करप्शन जो है वो बढ़ रही है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हर पार्टी अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए दूसरी पार्टी को घटिया बनाने के लिए लोगों के सामने अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाते हैं. ठीक है, इसके बाद है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. नेक्स्ट है पेज नंबर 60, मेरा 60 है, आपका पता नहीं बुक से पुरानी है नहीं है, जैसा भी है. पेज नंबर 60 है कॉन्स्टिट्यूएंसी. बच्चे हर आप बच्चे को पता होना चाहिए जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो ना, वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, एरिया. ठीक है, एरिया, इलेक्टोरल एरिया डिवाइडेड फॉर इलेक्शंस. जब हम जलंधर को बांटेंगे ना, जलंधर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए. अगर जलंधर को लोकसभा के लिए डिवाइड करना है तो जलंधर के लिए कितने एमपी होंगे, 1. तो पंजाब में टोटल कितने एमपी हैं, 13. इसका मतलब पूरे पंजाब को कितने पार्ट्स, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे, 13. अगर हमने जलंधर में एमएलए के इलेक्शंस करवाने या लोकसभा या हमने पंजाब के विधानसभा के जो फरवरी में इलेक्शंस होंगे तो 117 होल ऑफ द पंजाब विल बी डिवाइडेड, होल ऑफ द पंजाब विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सीट्स, 117. और उस 117 में से इमेजिन करो जलंधर के एमएलए हैं, हां 9 एमएलएज हैं, तो होल ऑफ द जलंधर विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जब जलंधर में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने हैं, मेयर के इलेक्शन होने, काउंसलर के इलेक्शन होने, तो जलंधर विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वार्ड्स, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3. आप हर बच्चा अलग वार्ड से आता है, अगर एरिया सेम है तो वार्ड सेम होगा और हर एक का काउंसलर अलग होगा. तो इलेक्शंस के अकॉर्डिंग जब सिटी को या एरिया को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. क्लियर है, टर्म क्लियर है, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिनकी जिनको आपने डिफाइन करना है. अब जैसे इन्होंने ये दिखाया है, एक मैप है, ये जो मैप है ये गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है. अब इसमें देखो, वैसे गुलबर्गा जो है शेडेड पार्ट है तो सिर्फ इसमें है, जो है उत्तर प्रदेश में है. पूरे अगर मैप में देखा जाए तो गुलबर्गा जो है उसको ऐसे डिवाइड किया गया है, लेकिन सब पार्ट्स, ये देखो सब पार्ट्स है. अगर एमएलए के इलेक्शंस होने हैं तो उसको आगे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और अगर काउंसलर के इलेक्शंस होने हैं तो सब पार्ट्स को भी आगे वार्ड्स में जो है डिवाइड करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शंस जो है वो किसके हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं, असेंबली के हो रहे हैं या कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, आगे देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. क्या मतलब होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का? हाँ, अब ये चीज याद रखना, टोटल हमारी लोकसभा में, वैसे मैंने आपको बताया कितनी सीट्स हैं, 545. 2 वैसे निकाल दो क्योंकि 2 क्या है, नॉमिनेटेड है. तो टोटल इलेक्शन कितनी सीट्स के लिए होने हैं, 543. ये है टोटल 543, लेकिन इसमें से सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स. अब आपको वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर एसटी और एससी. पहले एससी के लिए लिखो 80, मेरी बुक में 84 है, लेकिन कईयों की पुरानी बुक है ना तो ये डाटा चेंज कर लो. 84, 540, हाँ जी 543 में से 84 सीट्स आर, मतलब 84 कौन होंगे, कौन से एमपी होंगे फ्रॉम एससी कैटेगरी, एंड एसटी जो है दैट इज 47. ये भी ठीक कर लो अगर पुरानी बुक्स में. ओके, हाँ जी 543 में से
543 में से 84 सीट्स, नहीं परसेंटेज नहीं है, सीट्स 84 सीट्स। हाँ जी, एससी की फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट एंड एसटी की फुल फॉर्म है शेड्यूल ट्राइब एंड सम सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर विमेन। लेकिन रिजर्व तो होती है लेकिन विमेन बहुत कम है जो हमारी पार्लियामेंट में आगे आ रही है, तो कई नहीं खाली नहीं रहती, फिर वो मेन फिल हो। मैंने आपको बताया था वो नॉमिनेटेड है बाय प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस नहीं होते, ये नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जो इंडिया के नहीं है और एनआरआई है उनको भी रिप्रेजेंटेशन है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो दो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। परमानेंट नहीं है, 5 साल के बाद वो भी चेंज हो जाएंगे। लोकसभा हमारी हाई टेम्पररी है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट। हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मेंबर्स, टू मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, टर्म इज 5 इयर्स। ये नॉमिनेटेड है, ये इलेक्टेड है, ठीक है। इनमें से हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी, 84। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी, 47। वाह, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन होने जरूरी है, हो जाते हैं लेकिन 540। हाँ टोटल 545। हाँ पूरी इंडिया को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 543 याद रखना। टू के लिए तो टू तो प्रेसिडेंट की विल है, विल का मतलब होता है इसको बना दिया इसको बना दी, ये याद रखना। व्हेनेवर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा विल बी कंडक्टेड होल ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है सम सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर दीज कैटेगरीज, व्हाई एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बात हम ये कर रहे हैं, हमने तो ये बता दिया 1 मार्क के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाई, क्यों ऐसा है। नंबर वन, सबसे पहले टू गिव रिप्रेजेंटेशन, क्यों नीड होती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, क्यों ऐसा होता है। टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द वीकर सेक्शन, मेन मोटिव क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है कि जो सोसाइटी में या कंट्री में वीकर सेक्शंस हैं वो भी इलेक्शंस में आगे आए, तो इसीलिए उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है। लाइक दिस टाइम इन आर पंजाब सीएम बिलोंग फ्रॉम दलित सोसाइटी, चरणजीत चन्नी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कि कुछ ग्रुप को कई बार रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो है सीट्स रिजर्व करनी पड़ती है, तो वो रिजर्व। हाँ तो इट मीन्स जब चरणजीत चन्नी एमएलए बने होंगे तो वो रिजर्व सीट्स होंगी उनकी, तो अब जो सीएम बन गए हैं तो अल्टीमेटली कम्युनिटी तो उनकी वही है ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एमएलए बनना पड़ता, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले एमपी बनना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। यस, नंबर वन, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट इज अ नीड ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द इंडिया। सेकंड मेन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इज मल्टी रीजनल मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है अलग अलग लैंग्वेजेस। फिर दे व्हाट हैपेंड, आई नो ये ना हमने आंसर में नहीं लिखना ना, जो आप आपस में डिस्कस करो लिखना ही, और ये तो इतना जनरल टॉपिक है ना, ये तो बच्चों को पता ही होता है, स्पेशली बॉयज को पता ही होता है। बस हाँ, इनकी भी काउंट होती है क्योंकि वो तो एमपी है ना, मेंबर है, ठीक है। हाँ जी, फिर दे स्टैंड अप निवेदिता, आगे आ जाओ, आप पीछे चलो। फर्स्ट इज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द वीकर सेक्शंस ऑन द सोसाइटी। सेकंड क्या है, इंडिया इज अ मल्टी, दो भी कोई भी दो वर्ड लिख लो, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी लिंगुअल कंट्री। रिलीजियस का मतलब होता है रिलीजन अलग अलग है, लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेजेस अलग अलग है, ठीक है। और लोकसभा या असेंबली में हर पर्सन को कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये सिस्टम जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम रखा गया, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स है, डाइवर्स मीन्स
डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज, हर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ऐसा सिस्टम रखा गया है। थर्ड, इसकी नीड क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो एक ही एरिया से वोट देंगे, यहाँ पे कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि हिंदू विल वोट फॉर हिंदू, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कुछ लोअर सेक्शंस या कुछ ऐसे सेक्शन जिनको पहले इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, उनको भी पब्लिक पार्टिसिपेशन या लेजिस्लेशन या फिर जो गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन मिले, ऐसा इसलिए रखा गया ताकि इन लोगों को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो ये मेन थर्ड पॉइंट आप बताओगे दैट दीज सम कम्युनिटीज वर एक्सप्लॉयटेड अंडर द कास्ट सिस्टम, सम कम्युनिटीज वर एक्सप्लॉयटेड अंडर द कास्ट सिस्टम। हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम के अंडर ब्राह्मण क्षत्रियास वैश्या शूद्रास, ठीक है, शूद्रास वर कंसिडर अनटचेबल्स, लोअर कास्ट कहा जाता था। तो ये पहले था, लेकिन आगे इन कम्युनिटीज को इक्वालिटी देने के लिए, इनको इक्वल स्टेटस देने के लिए, इनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है वो सीट की डिमांड रखी गई है, क्योंकि हमारी कंट्री में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, इन आर कंट्री ज्वाइंट इलेक्टोरेट इज देयर। सो द मेन मोटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये कह लो या मेन मोटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वॉज टू गिव ऑल द कम्युनिटीज एज इक्वल स्टेटस। नेक्स्ट एक और पॉइंट बना सकते हो, टू इंक्रीज द पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज। जितनी ये कम्युनिटीज आगे आएंगी उतनी इनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट, लॉ मेकिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा। टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द लेजिस्लेशन और इन द पब्लिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम दीज कम्युनिटीज देयर इज अ नीड ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर? तो ये 3 मार्क्स अकॉर्डिंग ही करो, 3 मार्क्स में आप ये रिजर्वेशन सिस्टम का भी लिख सकते हो। हाँ, ये और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब होता है जो सिटी में होती है, कॉर्पोरेशन काउंसलर्स, उसमें क्या है, उसमें भी है। अब एक लाइन और लिखो, लोकल बॉडीज जो है जैसे कॉर्पोरेशन है, पंचायत है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर, नहीं, वुमेन के लिए लिखो, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड सम सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी। ओबीसी क्या होती है, एक और कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, ओबीसी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज क्लासेस, ठीक है। तो ये आप रिजर्व में लिख सकते हो। अब ये इसका क्या है, व्हाई इज द नीड टू गिव वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा पार्लियामेंट, सो दैट वुमेन विल कम फॉरवर्ड इन द पॉलिटिक्स, ताकि वुमेन भी आगे आए, कल को विमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी, अगर कोई अच्छा एक और सोचो, अगर हर गर्ल ये कहेगी कि हाँ जी पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, आई डोंट वांट टू एंटर, तो अल्टीमेटली मैन विल बी ओनली 543। कल को अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी लॉ पास करने की जरूरत होगी, तो अगर पैट्रियार्कल या मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट होगी, तो क्या गर्ल्स या वुमेन की फेवर में लॉ पास होगा? सो देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट, सो दैट्स व्हाई। हाँ, 1/3 मतलब देखो, देखा जाए तो हमारी कंट्री में 50-50 कहते हैं, 50 मेल 50 इक्वल होना चाहिए, पर अभी भी कितना है, 1/3 मींस ओनली 33%, वो कम है। यही रीजन है कि वुमेन आगे नहीं आ रही है। सीट्स छोड़ दो, 543 में 50% छोड़ दो वुमेन के लिए, अपने वुमेन आगे आएंगी, ऑनेस्टी लेवल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जब लॉ पास होते हैं, हम कह रहे हैं ना कि हमारी कंट्री में अभी भी बहुत से ऐसे लॉ हैं जो फीमेल की फेवर में नहीं है, मेल की फेवर में है। रीजन यही है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट अभी भी क्या है, मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट। क्लियर? सो दैट वाज द नीड ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, ताकि इनका भी इंटरेस्ट बढ़े, ये भी आगे आए और ये भी लॉ मेकिंग में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। कल को कोई भी लॉ बनना है इनसे रिलेटेड, तो इनकी भी उसमें जो है वो अप्रूवल होनी चाहिए। अगर सीट्स नहीं रिजर्व होंगी इनके लिए, तो मे भी हो सकता है 543 जनरली होंगे, उसमें ये नहीं होंगे, तो शायद कल को कोई ऐसा लॉ बन सकता है जो इनकी फेवर में नहीं होगा। ये रीजन है, ठीक है। आगे आ जाओ, वोटर लिस्ट, अदर्स बैकवर्ड क्लासेस, जो एससी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कास्ट की लिस्ट दी गई है, सम आर रिगार्डेड एज शेड्यूल्ड कास्ट, some are regarded as forest areas ki jo tribal societies hoti hain, and some are regarded as others backward classes, caste ke basis ke upar classify kiya gaya, theek hai।
किसकी किसकी तो पार्लियामेंट में नहीं है, इसकी लोकल बॉडीज में है। लोकल बॉडीज का मतलब होता है कॉर्पोरेशन या पंचायत के इलेक्शन से, पार्लियामेंट में सिर्फ यही है। ठीक है, हाँ जी आगे आ जाओ। वोटर लिस्ट, हाँ पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, देखो अभी भी पार्लियामेंट में नहीं है। अब कुछ सोचो कि हमारी 543 में से ना वुमेन बहुत कम है। जब भी लोकसभा की आप लाइव टेलीकास्ट देखोगे ना टीवी में, तो उसमें मेल नजर आएंगे, वुमेन बहुत कम है। अप्रूवल वन मतलब 1/3 सीट सिर्फ लोकल बॉडीज में, कॉर्पोरेशन में, पंचायत में, पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में सिर्फ यही है। ठीक है, आगे आ जाओ। वोटर लिस्ट पेज नंबर 62, इसमें कुछ सिंपल मतलब मैंने बताया ही है कि ये आपको ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। रिवीजन ऑफ वोटर, वोटर रोल्स क्या होती हैं, रोल्स का मतलब जिसमें लोगों के नाम लिखे होते हैं, जैसे आपका मैम लेते हैं ना अटेंड योर रोल कॉल, क्या होता है अटेंडेंस, आपका नेम, ऐसे ही रिवीजन, रिवीजन या वोटर लिस्ट की रिवीजन क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पिछले 5 ईयर्स में जब इलेक्शन हुए थे, जो लोग 18 ईयर्स के अब हो गए हैं, अगर सपोज किसी की डेथ हो गई है तो उनके नेम अपडेट किए जाते हैं वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट होगी तो ही एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितने परसेंट वोटर्स हैं कंट्री में। ठीक है, तो ये जस्ट ये है कि मेन आपको ये पता होना चाहिए कि किसको राइट टू वोट दिया जाता है। हु इज गिवन राइट टू वोट अबव 18, एनी मेल और फीमेल, किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनवैलिड हो जाएगा, उसका इनवैलिड हो जाएगा। नहीं वो आएंगे ना आपके घर में, आएंगे अपडेट करने आएंगे, रिकॉर्ड लेकर गवर्नमेंट स्टाफ आएंगे आपके घर में, पूछेंगे कि हाँ हाउ मेनी प्रेस, पिछली बार इतना रिकॉर्ड था, अब बताओ कितना है। उनके हर साल नहीं, 5 साल के बाद, जैसे अब फेब में इलेक्शंस होने हैं, तो आप सब मतलब जो भी आपको पता होगा, आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में ना आपको बताया जाएगा कि ये आपके नियर बाय सेंटर, नियर बाय सेंटर जाके ना अपना अपडेट करवा के आओ, अपना वोटर कार्ड या चेंज करवाना या कुछ भी, तो वो आपको ना नंबर ऑफ मेंबर्स दे जाएंगे, फिर आप टैली करोगे। लेकिन अगर आप टैली नहीं करोगे, आपके लिखा हुआ नंबर ऑफ मेंबर्स 8 लेकिन आपके सिर्फ 3 है या 4 है या 5 है, इट मीन्स आपने अपडेट नहीं किया, वो आपका एक तरह से वो आपकी नेग्लिजेंस है। उन्होंने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपडेट करो। ठीक है, अब आ जाओ मेन जो है, दैट इज डिवाइडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यू कैन सी द मैप, हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट वाइज। अब मैं स्टेट वाइज देखती हूँ, आप मुझे जल्दी से बताओगे। जनरल देखो 412 है, एससी रिजर्व के लिए 84, रेड कलर से जो एरिया मार्क किया गया है, ग्रीन कलर के जो एरियाज हैं 47। अब मुझे ये बताओ, विच स्टेट आर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन इंडिया एंड हाउ मेनी सीट्स। वेरी गुड, कितनी है, आप खुद सोचो यूपी के कितने एमपीज हैं दिल्ली में, 80, बिकॉज द एरिया ऑफ यूपी इज वेरी लार्ज। ठीक है, एंड हाउ मेनी फ्रॉम पंजाब, 13, हाउ मेनी फ्रॉम पंजाब, 13, एंड यूटीज का अप्रोक्सीमेटली कितना कितना है, 1। अब खुद हाँ खुद देखो, सपोज यहाँ पे चंडीगढ़ गिवन नहीं है, चंडीगढ़ यूटी है, गिवन है, चंडीगढ़ का कितना होगा, एक ही एमपी होगा, 1 ओनली। ठीक है, यूटी का एक ही होता है, दिल्ली के 7 है बेटा। क्यों दिल्ली के 7 है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, एरिया दिल्ली का एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली के कितने एमपीज हैं, 7। ओके, नियर बाय कोई अपनी स्टेट, नेबरिंग स्टेट का कोई भी, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पंजाब की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं, हरियाणा या हिमाचल, कोई भी दो स्टेट्स का देखो, हरियाणा के 10, हिमाचल के 4, पंजाब फिर लकी है, पंजाब के कितने हैं, 13। ओके, राजस्थान देखो, हाउ मेनी राजस्थान, 25। यूपी एंड राजस्थान दोनों में कंपेयर करें तो राजस्थान के कितने हैं, 25। ठीक है, हाँ जी, गोवा के कितने हैं, गोवा विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा स्मॉलेस्ट है तो उसके नंबर ऑफ कम है, सिक्किम का तो उससे भी कम है, त्रिपुरा। ठीक है, सो अच्छा ए भाई, एक और चीज नोट करो, टोटल एमएलए इन पंजाब 117, जितनी सीट्स उतनी एमएलए टोटल। टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन पंजाब 117, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पंजाब असेंबली 117। ठीक है, अच्छा अब करो राज्यसभा के लिए कितने हैं जलंधर में से, मैंने बताया लोकसभा में तो 13 है, हाउ मेनी एमपीज विल बी इलेक्टेड फ्रॉम
जलंधर फ्रॉम सॉरी पंजाब फॉर राज्यसभा 7 याद रखना, लोकसभा के लिए 13, राज्यसभा के लिए 7 एमपी। अगेन आई एम रिपीटिंग, 13 एमपी फ्रॉम लोकसभा फॉर लोकसभा एंड 7 एमपी फॉर राज्यसभा पंजाब के। ठीक है, तो आपको ऐसे भी सोर्स बेस क्वेश्चन आ सकता है, इसमें जस्ट आपको काइंड ऑफ टेबल आ सकता है, उस टेबल में से आपने बताना है कि विच इज द हाईएस्ट, किसका हाईएस्ट नंबर है। अब आ जाओ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन देने के लिए पार्टी जो है बेसिकली कौन सी कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस किसी भी पर्सन को टिकट देने या ना देने के लिए मेन जो है वो इम्प्लीफाई करती है। नंबर नंबर वन, एज जो है किसी भी पर्सन की एज कंटेस्ट करने के लिए कितनी होनी चाहिए। हाँ पहले लिख लो ये कंडीशंस फॉर गिविंग टिकट्स, किसी भी पार्टी ने जब भी किसी पर्सन को टिकट देना होता है तो कौन सी कंडीशंस वो देखते हैं या क्या देखना चाहिए उनको, कंडीशंस फॉर गिविंग नॉमिनेशन या टिकट, टिकट देने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। ये बस वाला टिकट नहीं है, पार्ट मतलब राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी किसको टिकट दे रही है, मतलब पार्टी किसको खड़ा कर रही है रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। नंबर वन, एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। हाँ जी, चाहे एमएलए चाहे एमपी, वो तो उसमें तो बहुत कुछ दिखाते जाओ। हाँ जी, सेकंड, नो क्रिमिनल केस पेंडिंग शुड बी, नो क्रिमिनल केस पेंडिंग शुड बी विद द वोटर, क्रिमिनल केस चल रही रहा पुलिस पे एट प्रेजेंट जो है कोर्ट में होनी होना नहीं चाहिए, एट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पेंडिंग शुड बी फॉर वोटर। ये जान के कर रहे हैं ना, ऐसे है ना, ऐसे पूछ रहे हो, एक सेकंड, कीप क्वाइट। मैंने सिर्फ एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी, वही मुझे आंसर, सारी क्लास अगर बोले ना फिर देखूंगी। आपकी क्लास में फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है, थर्ड? ये बच्चे कभी नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, रीजन ये क्योंकि इनको समझ आ जाती है और वो प्रिटेंड नहीं करते। क्योंकि उनको समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन कौन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, वो आपको समझ आ गया हो। जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हो ठीक है, नहीं समझ आ रहा, पर बाबा इंटरप्ट करने के लिए पूछना है तो दैट इज रॉन्ग। इजी सी बात है, जनरल सी बात है, ये तो मैं सिक्स क्लास में करवाती हूँ, अभी सिक्स क्लास में करवा के आई हूँ। मुझे तो हैरानी होती है कि मैं सिक्स से एकदम नाइन्थ में आ रही हूँ ना, तो सिक्स क्लास के बच्चे इतनी अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं ना, दे आर वेरी पॉलिटिकल अवेयर। पर नाइन्थ क्लास के बच्चे जानबूझ के अवेयर हैं, लेकिन जानबूझ के शो करते हैं कि हम अवेयर नहीं है, पता नहीं क्यों। ये जैसे जैसे अब क्लास का लेवल बढ़ता है ना, आपको लगता है कि मैम हमें कुछ नहीं आता, लेकिन आता होता है, तो प्रटेंड मत करो। हाँ जी, सेकेंड इज डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये सिंपल लिख लो, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। टिकट देने के लिए कोई भी पार्टी उस पर्सन की सारी डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करेंगे कि उसके नाम पे या उसकी फैमिली के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, उसके बैंक अकाउंट सारा चेक करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पर्सन ने कल को नॉमिनेशन पेपर पे सारा वेरीफाई करके देना है, तो पार्टी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हमें ये सारा इस पर्सन के बारे में नॉलेज है, क्योंकि पार्टी ने उसकी क्या लेनी है, सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी रिटन ऑन द नॉमिनेशन पेपर। टिकट, हाँ मैं बताती हूँ, ये भी टिकट के ऊपर, टिकट देने के लिए नॉमिनेशन पेपर के लिए क्या चाहिए होते, किसी पर्सन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां तक पहले सुन लो, ये सारा जो है रिक्वायरमेंट है, एंड शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है
कि विल इट बी नेसेसरी फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? नो, यहां तक मैंने बता दिया कि मेंशन करना जरूरी है, लेकिन आपको पता है हमारी कंट्री में अगर कोई पर्सन इलिटरेट है या टेंथ पास नहीं है या सेवंथ पास भी नहीं है या फिफ्थ पास भी नहीं है, दे आर एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब अपना फ्यूचर उसमें मत ढूंढना।